मोबाइल के साथ टीवी देखते हैं तो ये वीडियो भी जरूर देखें। अगर आप टेलीविजन के साथ मोबाइल भी चेक कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा है, कुछ समय के लिए आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये कहना है वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजय सेन का। उन्होंने बताया कि अमेरिका में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं, एक या डेढ़ दिन के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। यह भी होता है कि सोते समय लोग कमरे की लाइट बंद करके टीवी देखने लगते हैं, फिर रिमोट से टीवी बंद करके सो जाते हैं। ये और भी खतरनाक है, इससे आंखें इतनी थक जाती हैं कि स्थायी रूप से समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग टीवी के साथ मोबाइल पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, क्या इसका कोई नुकसान होता है क्या? हाँ जी हाँ, ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि टीवी अपने आप में और मोबाइल भी, ये दोनों के दोनों रेडिएशन पैदा करते हैं लाइट के साथ साथ। ओके। और इनके साथ जो नुकसान होता है, अगर खास तौर पे यदि टीवी और मोबाइल दोनों को हम साथ साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी कुछ लोगों की एक दिन या डेढ़ दिन या दो दिन तक के लिए परमानेंटली तो नहीं, लेकिन ट्रांजिएंट फॉर्म में ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसलिए टीवी का, अगर आप काम कर रहे हैं तो टीवी ही करें, टीवी देखना चाह रहे हैं तो टीवी ही देखें और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे देखें, लगभग 10 से 12 फीट। ठीक है। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो आप उस समय टीवी बिल्कुल ना देखें, फिर उसी पे कार्य करें। अच्छा। और इंटरमिटेंट कार्य करें। इंटरमिटेंट का मतलब ये कुछ देर आपने किया और उसके बाद कुछ देर आपने अपनी आँख को आराम दिया। तो हम लोग कहते हैं कि 15 से 20 मिनट एक साथ काम कर सकते हैं आप, उसके बाद 2 या 3 मिनट आप विड्रॉ कर लें अपनी आईज को स्क्रीन पे से मोबाइल। दोनों चीज़ें अगर हम साथ साथ, बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना डे, जैसे उन्होंने अपना पूरे दिन का काम किया और रात को रिटायर कर रहे हैं बैठ के सोने से पहले, तो अधिकतर लोगों की हैबिट आजकल है कि वो थोड़ी देर अपने पसंद का कोई टीवी चैनल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे या स्पोर्ट्स देखेंगे या कोई और एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, और साथ साथ मोबाइल पे जो उनके मैसेजेस पड़े हुए हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं उनको रिमूव भी करें। जी जी। अब वो टाइम उतना सही है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और सोने का भी मन करता है उसके बाद में, तो अंधेरा कर देते हैं कमरे, तो लाइट ऑफ कर दी, टीवी भी चल रहा है और एक तरफ मोबाइल पे से मैसेज पड़े जा रहे हैं उनको रिमूव भी किया जा रहा है, क्योंकि मैसेज बॉक्स भी खाली करना है बहुत जरूरी है। ये आज की जिंदगी में जो व्यस्ततम जिंदगी है इसमें इन कामों के लिए इतना सही समय मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है कि रोशनी के पर्दे पर, रेटिना पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। उस मैक्यूला में हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, और अगर आप उसको अंधेरे में काम कर रहे हैं तो उन फोटो रिसेप्टर की एनर्जी तेजी से क्षीण होने लगती है। अच्छा। और सडनली वो टायर्ड होकर के अपना काम छोड़ देते हैं, यानी आपको देखने की जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाती हैं। और ये होता कब है कि जब आप सो रहे थे, उससे पहले आपने ये किया, अंधेरे में किया, सुबह को जब आप उठे तो आपको अचानक से दिखना पड़ गया। तो क्या सोने से पहले टीवी ना देखें? सोने से पहले टीवी देखें, ऐसा नहीं है कि टीवी ना देखें, सोने से पहले आप मोबाइल भी करें, ऐसा नहीं है कि ना करें, पर उसके साथ में कुछ सावधानियों का प्रयोग करें, जैसे मैंने बताया दोनों चीज़ों को साथ साथ ना करें। दूसरा, आप टीवी कर रहे हो चाहे मोबाइल का स्क्रीन पे या अपने वर्क कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको अपने कमरे में प्रॉपर इल्यूमिनेशन, प्रॉपर लाइट जला देना, यानी आपके कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोगों की हैबिट्स होती हैं कि वो अपने कमरे को डार्क कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस इसके बाद हमें रिमोट से टीवी का स्विच ऑफ करना और हैंड में मोबाइल है तो वो भी स्विच से ऑफ हो जाना है, तो कौन उठेगा और कौन लाइट को जाके बंद करेगा, तो इसे लाइट पहले से ऑफ कर देते हैं और बेड में अपना लेटे लेटे उन्होंने ये काम किया, रिमोट से उन्होंने बंद किया और वो सो गए। तो इसमें यदि हमने आधा पौना घंटा या एक घंटा निकाल दिया, दोनों चीज़ों को साथ साथ किया, तो एक आई दूर पे देख रही है और एक आई नज़दीक पे देख रही है मोबाइल पे, इस तरीके के कंसंट्रेटेड जॉब्स जब करते हैं तो हमारा रोशनी के पर्दे का मैक्यूला, जिसके फोटो रिसेप्टर्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो कंट्रास्ट ऑफ लाइट को झेल नहीं पाते।
कंट्रास्ट ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अंधेरे में जब ये लाइट की ऑब्जेक्ट्स टीवी और मोबाइल इनकी लाइट का एमिशन अगर आप देखें तो बहुत ब्राइट हो जाता है और यदि आप सराउंडिंग्स में लाइट जला के रखेंगे तो इनका जो लाइट एमिशन है वो कंट्रास्ट बहुत कम हो जाता है, सूदिंग फील होता है, स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो दो तीन चीज़ें मैंने बताई कि आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों को एक साथ ना करें, कमरे के अंदर अंधेरा करके ना देखें। और तीसरी बात ये कि इंटरमिटेंटली करें, मतलब कुछ देर आपने देख लिया उसके बाद दो तीन मिनट आई को बीच बीच में रेस्ट भी जरूर लें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी होती है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें अननेसेसरीली की ब्लाइंडनेस, रात में सोई ठीक ठाक ये काम करती, सुबह उठे दिखना बंद हो गया, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को जब आँख का एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई भी चीज़ अब नॉर्मल नज़र नहीं आती। उसके लिए बहुत सारे फिर तरह तरह के टेस्ट होते हैं जो खास तौर से ब्रेन से लिंक होते हैं।